वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी फर्स्ट ईयर के एक और न्यूमेरिकल के साथ उदय सिंह नेहरा फिजिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये न्यूमेरिकल्स बार बार करवाने का मेरा मकसद यही है कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करना बहुत आवश्यक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस कहता है कि फिजिक्स में हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, लेकिन वास्तव में वो क्लियर तभी हो पाता है जब हम उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। लेट्स टेक अनदर न्यूमेरिकल फ्रॉम बीएससी फर्स्ट ईयर। दो बल समान परिमाण के हैं तथा इनके परिणामी बल का परिमाण भी उनके परिमाण के बराबर है। बलों के मध्य कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो दो बल हमें दे रखे हैं जो आपस में जिनके परिमाण बराबर हैं, समान परिमाण के हैं, और उनका जो परिणामी है उसका परिमाण भी उन्हीं दोनों के बराबर है। तो बलों के मध्य कोण ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन कंपिटिशन एग्जाम में भी खूब पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं, ये माना P तथा Q दो समान परिमाण के बल हैं। और इनका परिणामी भी इन्हीं के परिमाण का है। तो प्रश्न आंसर, यदि रिजल्टेंट जो है उसको आर है मान लें, सो पी इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर। परिमाण, केवल परिमाण जहां आर परिणामी सदिश या परिणामी बल का परिमाण अब दो सदिश और उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम क्या लगाएंगे? समांतर चतुर्भुज नियम लगाएंगे। तो समांतर चतुर्भुज नियम से सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है कि यदि कोई एक सदिश, जैसे मान लो ये है, हमें नहीं पता कि इनके मध्य एंगल कितना है, वो हमें याद करना है। मान लो ये पी सदिश है हमारे पास और ये मान लो कोई क्यों सदिश है हमारे पास, तो इनका परिणामी कैसे याद करते हैं? ये जो क्यों है इसके समांतर पी के शीर्ष पर सदिश ले लेते हैं, इसके समांतर, जैसे हमने उठा के इसको यहां रख दिया हो बिल्कुल पैरेलल, और इसको पैरेलल उठा के इसके शीर्ष पे रख दिया हो, तो इस प्रकार जो समांतर चतुर्भुज बनेगा, तो P और Q का परिणामी इस समांतर चतुर्भुज के इस विकर्ण के द्वारा व्यक्त किया जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज के इस विकर्ण के द्वारा इसको व्यक्त किया जाएगा, ये R होता है। अब R का फॉर्मूला क्या है? R का परिमाण सदिशों के समांतर चतुर्भुज नियम से क्या होता है? आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स दिस वे। ये थीटा दोनों के मध्य का कोण,
अब हमें दिया है कि P, Q और R एकदम समान है, तो हम तीनों के बराबर P ही लिख लेते हैं। सो R को भी P लिखा हमने, P की जगह P है ही, Q को भी हमने P लिख लिया, तो P की जगह P और Q की जगह भी P, तो P स्क्वायर और cos थीटा। देन एक P स्क्वायर को P स्क्वायर से काट ले हम, तो 0 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। अब इस थीटा का मान हमें क्या करना है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2 पी स्क्वायर कोस ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। नाउ कोस थीटा इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पी स्क्वायर। इसका पक्षांतरण हम करेंगे, पी स्क्वायर इज कैंसिल बाई पी स्क्वायर, सो कोस थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 एंड कोस थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 1/2। कोस में वैल्यू किसकी होती है, कोस 120, कोस 120 डिग्री, सो दिस इंप्लाई थीटा इक्वल टू 120। कोस 120 की वैल्यू यदि आपको ध्यान नहीं है, तो कोस 120 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा, कोस थीटा होता है, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा, साइन 90 प्लस 30 कोस 120 को हमने लिख लिया कोस 90 प्लस थीटा, और कोस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन 30 1/2, सो दिस इज कोस 120। सो वैल्यू हमें ध्यान भी नहीं है तो हम इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ये होगा एंगल बिटवीन द टू इक्वल फोर्सेस। सो दो बल समान परिमाण के, इनके परिणामी बल का परिमाण भी इनके परिमाण के बराबर है, तो उनके मध्य कोण हमने इस तरह से याद किया। ये हमारी कंडीशन थी, समांतर चतुर्भुज योग का नियम हमने लगाया, रिजल्टेंट तीनों बराबर हैं, तो हमने तीनों की जगह पी रिप्लेस कर दिया, पी स्क्वायर कैंसिल बाय पी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर प्लस 2 पी स्क्वायर कोस थीटा, पक्षांतरण किया माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, कोस थीटा इज माइनस 1/2 और माइनस 1/2 वैल्यू होती है कोस 120 की, सो थीटा इक्वल टू 120। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी हम कर लें दिमाग में कि जो हमारा आंसर आया है वो ठीक है, थीटा बराबर 120। मान लो ये एक फोर्स था से पी, दूसरा इससे 120 के एंगल पे ये 90 और सो ये हो जाएगा क्यों, और अब F जो इनके बराबर है ये 120, तो इनका परिणामी क्या होगा, इनका परिणामी इन दोनों के बीच में इधर कहीं होगा R, और जो इसके इक्वल होगा दोनों के बराबर। तो ये हमारा आज का पहला न्यूमेरिकल रहा।